हेलो। हाँ जी भैया। तो भाई लोगों, कई दिनों से प्लान कर रहा था मैं कि गाड़ी को जाके एक बार डिटेल करवाना है। डिटेल में जैसे ड्राई क्लीन पॉलिशिंग वगैरह होने वाली है। गाड़ी बाहर से बहुत गंदी हो रखी है, मोर वो उसका इंटीरियर भी भाई थोड़ा हो ही रखा है, हालात खराब हो रखे हैं। मेन पंगा ये है कि अपने पास जाने का टाइम मिलता नहीं है। सो मेरे को एक दिन एक पता लगा, मैंने कार डिटेलर्स के बारे में थोड़ा सर्च करा ऑनलाइन, तो मुझे पता लगा इनके बारे में, ये लोग डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं। तो मैंने आज बुलाया हूँ अपने घर पे, आओ एक बार चेक करते हैं चल के। तो क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम पुनीत है। तो पुनीत जी, अभी जो गाड़ी हम करने लगे इसमें क्या क्या आप करोगे आप पैकेज में अपना? सर पैकेज में सर आपका मैटिंग हो गई, फ्लोर हो गया, और आपका रूफ हो गया, सीटें हो गई, डैशबोर्ड हो गया, और फुट वाला हो गया। आपका इंटीरियर पूरा होगा सर, इसमें आपका एक चीज़ भी नहीं छूटेगी जिससे कि जो साफ ना हो। ठीक है। बाकी आपका एक्सटीरियर है जिसमें कि आपकी होम वॉश है, और आपका ये रबिंग है, पॉलिश है, और टायर हैं, टायर पॉलिश है। ओके, तो इसमें जो एक्सटीरियर मतलब प्रॉपर क्लीन हो जाएगा गाड़ी जी का? सर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कार डिटेलर से ये लोग आए हैं, और इनकी सबसे बड़ी जो खास चीज़ मुझे लगी है जो डोर स्टेप सर्विस है। अपने वजह से कई बार टाइम नहीं मिलता या बाहर जाने की इच्छा नहीं है, तो भाई सुनीत जी को बुला लो घर पर डोर स्टेप सर्विस के लिए। बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो राहुल है उनका मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ही, आप वहाँ से बैठा सकते हैं। ऑलराइट भाई, ये डिटेलिंग से पहले की सिचुएशन है। पानी का प्रेशर पूरा इनके पास जुगाड़ है, गन है, बाल्टियाँ पानी भरा, आगे से अपना पंप लगाया, और ये जो इनकी प्रेशर गन है ये भाई पूरा प्रेशर से पानी फेंकती है। अभी दिखाते हैं आपको। सबसे बढ़िया बात है ना भाई लोग, डोर स्टेप सर्विस है, आपको सिर्फ कॉल करना है इस नंबर पे और बंदा आपके घर आ जाएगा सारा तामझाम लेके, और आपके घर के घर पे आके ही करके जाएगा। जो इनको प्रोवाइड करना है सिर्फ एक बिजली का कनेक्शन, एक बाल्टी और पानी का पाइप। देखिए भाई साहब, ये कुछ अपने शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं मिक्स। ये देखिए भाई, इन्होंने प्रेशर गन से पहले पूरा इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है। प्रॉपर जिसे कहते हैं फोम वॉश हो रहा है पहले। भाई देख रहे हो इन्होंने क्या कर रखा है, बेसिकली इस बाल्टी में अपना पहले बना रखा है सारा पानी वानी का जुगाड़ इसमें करा हुआ है। यहाँ से इनका पंप खींच रहा है पानी, और जो इनका जो मेन का पंप है ये आपको प्रेशराइज वाटर दे रहा है आगे, जिससे ये लोग प्रेशर इतना दे पा रहे हैं आगे। सही है, जुगाड़ बढ़िया भाई, एकदम घर बैठे बैठे अपना काम हो जाएगा, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत है नहीं भाई। मेट्रो की भी पूरी तरह से हदामत करी जाएगी, या जो हमारे जो प्लास्टिक मैट हैं ईडी वाले उनको वॉश करा जा रहा है, और जो कारपेट के हैं इस तरह के इनको वॉश नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गंदे हैं नहीं तो सूखने में टाइम लगेगा, तो इनको हम ब्रश वश करा के नॉर्मल ड्राई क्लीन जैसे होता है वैसे करवाएंगे। इन वाले को देखो आप प्रॉपर वॉश करा जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप भाई, इसको प्रॉपर रब करा जा रहा है, फोम से क्लीन करा जाएगा ताकि जो मिट्टी विट्टी है, हल्के स्टेन्स हैं वो सारे हट जाए। साफ होने के बाद देन फिर इसके ऊपर बफर है, बफर चलेगा प्रॉपर, ग्लेस चलेगी, वैक्स चलेगी, सब होगा भाई। भाई अंदर से प्रॉपर ड्राइकिंग का काम चल रहा है। देखो एक ये भैया अंदर ही बैठे हुए हैं गाड़ी के, जिरो इन्होंने जगह जगह से कोने कोने से प्रॉपर साफ़ करनी है। लो जी, नीचे से निकल आई है गाड़ी आपके एकदम क्लीन। पानी कम हो गया भाई, मैं पाइप ऑन करके आया। ये
ये क्या लगा रहे हो आप इसके ऊपर? रबिंग पॉलिश है, रबिंग बोलते हैं। ठीक है हाँ, तो ये दोनों को काम करती है, रबिंग भी करेगी और पॉलिश का भी काम करती है। ओके ठीक है। वॉशिंग के बाद आपने सीधा ये लगाया अभी है ना? हाँ जी सर। ओके, गाड़ी पे इस तरह से ना इन्होंने रबिंग लगा दी है अपना, जो कंपाउंड इनका मेन होता है, और अब बफर के साथ इसको रब करा जाएगा पूरा। इवन एक एक एज जो है आपकी गाड़ी की ना, उसको बफ करा जाता है ताकि किसी भी तरफ से शाइन में कमी ना रहे। देखो इन्होंने स्पॉइलर ये भी ऊपर सामने से नीचे से हर तरफ से इसको बफ करा है। भैया अंदर से कैसे आप इसको ड्राइकिंग, मतलब थोड़ा गीला भी होगा या सूखा रहेगा बिल्कुल सीटें वगैरह? नहीं अभी तो सूख जाएगी, तो एक डेढ़ घंटे में। अच्छा एक डेढ़ घंटे में सूख जाएगी, मतलब ये है ना केमिकल मार के ना। अच्छा कर दिया सीट बीट जो वाइट। अच्छा तो इस पे मतलब, अच्छा हाँ अब ये तो एडजस्ट हल्का हल्का ये फिट हो गई है। हाँ ये तो फिर ज्यादा गीला होने वाला काम नहीं है। छत भी ऐसे कर दी है ना सारी, देखो अच्छा गीली है हल्की सी, जो दाग वाग थे सब हट गए। आपको दिख रहा होगा फर्क तो दिख गया होगा। जो है भाई अंदर से सारा कूड़ा निकाला जाता है, प्रॉपर सीटें वगैरह जो आपकी केमिकल से प्रॉपर क्लीन हुई है, ये देख सकते हो काफ़ी डिफरेंस है पहले से। छत भी गाड़ी की पूरी तरह से इन्होंने साफ करी है। अब मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो गाड़ी का पूरा व्यू, भाई देखो बम्पर के भी जैसे कोने कोने जो जो आपकी एजिस हैं, जहाँ जहाँ तक बफर की पहुँच है वहाँ तक पूरा इसको करा जा रहा है। भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई बढ़िया सा चमक जाए गाड़ी, आज तो कुछ ना कुछ करके मानेगा भाई लगता है ये। ये अभी आपने इसके आगे का पैड चेंज करा है? हाँ जी। इसमें अभी ये क्या चीज़ हो रही है इससे? ये सर इससे चमक आ जाएगी सर। अच्छा ये शाइनिंग के लिए बेसिकली। हाँ जी सर, ये देखिए ये इसको कुछ और मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बस इसी चीज। क्या क्लीनिंग के बाद आप क्या पॉलिश लगा रहे हो इस पे सारी है? हाँ जी सर। सभी इंटीरियर पे हो गई है पॉलिश? हाँ जी सर, ये प्लास्टिक पे होते हैं जो, ये ऐसा तो नहीं चिपचिपाहट तो नहीं हो जाएगी? ना चिपचिपाहट नहीं होती सर, ये तो खुशबू वाला केमिकल है। अच्छा चलो, मैं डैशबोर्ड तो काफ़ी चमक रहा है इससे। अभी ये गाड़ी फाइनल स्टेज पे पहुँच चुकी है, क्लीन होने के बाद है, और डिक्की भी आप देखोगे स्पीकर भी प्रॉपर पॉलिशिंग हुई है,
और बूट रूम, बूट को भी प्रॉपर इन्होंने साफ करा है भाई एकदम बढ़िया से। भाई गाड़ी अपनी रेडी हो चुकी है एकदम। आइए एक बार फाइनल लुक दिखा देते हैं आपको। शाइनिंग की बात करते हैं, इस समय एकदम बढ़िया आ रही है। भाई हमें कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी मिला इनकी ओर से, एक माइक्रोफाइबर क्लोथ। बेसिकली इससे हम एक चीज़ थोड़ा मेंटेन रहेगा, इससे साफ़ करेंगे ना जो पॉलिश वगैरह करी है भाई, इससे अगर रेगुलर साफ़ करोगे तो एक सीजर काफ़ी हद तक आपका मेंटेन रहेगा। डन, ठीक है भाई। किसी को करवानी हो तो राहुल जी से कॉन्टैक्ट कर लें। और भाई सेकेंडली अपने भाई का पेज लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।